गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी बेटा, जिवें आपां तुहाडे ग्रामर दे कई टॉपिक कर चुके हाँ, तो अज आपां तुहाडे ग्रामर का न्यू टॉपिक करांगे चिट्ठी पत्र। बेटा जिहड़े ये चिट्ठी पत्र आ, पुराने समयां दे विच की सी, लोग अपने रिश्तेदारां दी सुख शांत पुछण लई जां अपने दोस्तां नाल गल्लबात करन लई जो तां वो चिट्ठियां दा जिहड़ा वो सहारा लैंदे सी। बेशक अज आपां अपने रिश्तेदारां नाल जां दोस्तां सहेलियां नाल फोन ते गल कर लैने आ, बट जेकर आपां कई बार कोई दफ्तरी काम, जेकर अपनी किसी भी चीज़ नूं लैके कोई भी शिकायत आ, जां बेटा आपां अपनी कोई भी लोड़ आ जां कोई अपनी होर मंग आ, आपां जेकर वह दफ्तरां दे विच बयान करनी होवे तां आपां जिहड़ियां चिट्ठियां राहीं इह अपनी शिकायत दफ्तरां दे विच दर्ज करा सकदे आ। ते बेटा जिहड़ी चिट्ठी आ, चिट्ठी पत्र है, यह तीन तरह के होंगे ने। सब तो पहला होंगे ने निजी पत्र। निजी पत्र किहड़े होंगे ने, जिहड़े कि आपां अपने दोस्तां नूं, अपनियां सहेलियां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, उन्हां दा दुख सुख दा सुनेहा जां उह आपां नूं चिट्ठी दे थ्रू अपने तक उह गल्लबात जिहड़ी पहुंचाउंदे ने, इह होंदियां ने निजी चिट्ठियां। उस तों बाद बेटा आ जांदा दफ्तरी चिट्ठियां। दफ्तरी चिट्ठियां किहड़ियां होंदियां ने, जिहड़ियां मन लो कि आपां जिवें किसी दफ्तर दे विच लिख के देनियां होंदियां ने, जेकर अपनी किसी भी चीज़ दे नाल रिलेटड कोई अपनी शिकायत आ जां मंग आ। जिहड़ा इह दफ्तरी पत्र आ बेटे, इह अगे दो तरह के होंदे ने। एक तां सरकारी दफ्तरी पत्र, एक हुंदा गैर सरकारी दफ्तरी पत्र। सरकारी दफ्तर वह होंदे ने जिवें आपां स्कूल के मुख अध्यापक नूं चिट्ठी लिखनी आ, जां किसी जिहड़ा सरकारी आहुदे ते विराजमान आ उह जी शख्सियत नूं आपां चिट्ठी दे थ्रू कुछ भी अपना पेश करना। तो एक हुंदा गैर सरकारी। गैर सरकारी जिवें अखबार के संपादक नूं, किसी टीवी दे कंपनी दे मैनेजर नूं, ठीक है, उन्हां नूं चिट्ठियां लिखनियां। इस तो बाद एक हुंदियां ने व्यापारिक चिट्ठियां। व्यापारिक चिट्ठियां किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़े लोग बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वह ये व्यापार के रिलेटड वो संबंध में जो चिट्ठियां लिखते हैं उन्होंने की कहते हैं व्यापारिक चिट्ठियां। हाँ जी बेटा, हम थोड़ी क्लास के एक सिलेबस के पत्र आ कि अपने स्कूल के प्रिंसीपल साहिबा जी को वड्डे भरा के विआह संबंधी छुट्टी लैण लई विनय पत्र लिखो। हाँ जी बेटा, ये तुहाडे सिलेबस दे विच कि एप्लीकेशन आ कि तुसीं अपने स्कूल दे प्रिंसीपल साहिबा जी नूं चिट्ठी लिखनी आ कि जिहदे नाल जिहदे विच तुसीं अपने तुहाडे वड्डे भरा दा विआह जिहदे करके तुसीं छुट्टी लैणी आ। इहदा बेटा पैटर्न आ जिहड़ा उह तुसीं ध्यान नाल देखोगे। सब तो पहला की आ, सब तो पहला इहदा सेवा विखे, उस तों बाद कौमा, ठीक है। ये तुहाडी नोटबुक दे बेटा खब्बे पासे की लिखोगे तुसीं, सेवा विखे कौमा। अगे जिहदे जिहनूं चिट्ठी लिखण लई कहा गया, मन लो तुहाडे सिलेबस दे विच कि अपने स्कूल दे प्रिंसीपल साहिबा जी नूं चिट्ठी लिखनी आ, जे इहदी जगह ते इत्थे तुहानूं मुख अध्यापक दित्ता हुंदा तां तुसीं अगे की लिखदे, मुख अध्यापक। जेकर तुहानूं प्रिंसीपल साहिबा दित्ता होया जां प्रिंसीपल मान जो भी दित्ता होया तां तुसीं उहदे अकॉर्डिंग इत्थे लिख सकदे हो। फस्ट है सेवा विखे कौमा। फिर बेटा तुसीं अपनी नोटबुक के सज्जे पासे जाओगे, प्रिंसीपल साहिबा जी कौमा, फिर अपने स्कूल का नाम गोल्डन अर्थ ग्लोबल स्कूल कौमा संगरूर। संगरूर तो बाद की लाना तुसीं, डंडी। यह बेटा पैटर्न आ जिहड़ा वह लास्ट ईयर नालों थोड़ा जिहा चेंज आ, इसलिए बेटा इहनूं ध्यान नाल फॉलो करना। तो अगे आ जाता बेटा अपना विशा। विशा की आ, जेकर बेटा तुसीं अपने किसी रिश्तेदार नूं चिट्ठी लिखनी आ जां अपनी मित्र जां सहेली नूं चिट्ठी लिखदे हो तां उहदे विच विशा लिखण की कोई जरूरत नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? क्योंकि रिश्तेदार किहड़ा कोले बहुत सारियां चिट्ठियां हुंदियां ने जिहड़ा कि उहनूं भी उह पूरी पढ़ सकदा आसानी नाल। इसलिए बेटा जिहड़ा आपां दफ्तर दे विच चिट्ठी लिखनी आ उहदे विच की हुंदा, उहदे विच विशा लिखणा बहुत जरूरी आ। क्यों जरूरी आ? क्योंकि जिहड़ा दफ्तर दे विच जो भी इंसान आ उहदे कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि उह तुहाडियां पूरी चिट्ठी नूं पढ़ सके। उह जेकर तुसीं इत्थे विशा लिखदे हो तां उह विशे विच ही पढ़ के देख लांदा कि तुसीं पूरी चिट्ठी दे विच कहना की चाहुंदे हो, ठीक है। इसलिए बेटा विशा नहीं लिखना भुलना, विशा वड्डे भरा दे विआह संबंधी
छुट्टी। अगे लिखोगे श्रीमती जी। जेकर बेटा प्रिंसिपल फीमेल आ तां तुसीं श्रीमती जी लिखोगे, नहीं फिर की लिखोगे, मेल अगर तां श्री मान जी। हाँ जी बेटा, फिर आप श्रीमती तो बाद की लिखना, बेनती है कि मैं आप जी दे स्कूल विच पंचमी लोटस, जेकर तुहाडी क्लास लिली आ लोटस आ रोज आ, उस सैक्शन अपना लिख देना, लोटस विच पढ़ता जा पढ़ती हाँ, मेरे बड़े भरा का विआह 16 अगस्त 2020 नूं होना निश्चित होया है। विआह कारण घर विच बहुत सारे कम हन अते मैं घर दे कम्मां विच मदद करना चाहुंदा जा चाहुंदी हाँ, इस करके मैनू 14 अगस्त 2020 तों 17 अगस्त 2020 तक स्कूल विच हाजर नहीं हो सकता जा सकती, कृपा करके मैनू। हाँ जी बेटा, फिर तुसी की लिखना, कृपा करके मैनू 4 दिनों की छुट्टी दिती जावे, मैं आप जी का अति धन्यवादी होवांगा। जेकर गर्ल्स ने वो लिखनगियां आप जी की अति धन्यवादी होवांगी, तो बॉयज की लिखनगे आप जी का अति धन्यवादी होवांगा। फिर अगे आप जी का आग्ञाकारी बॉयज लिखनगियां, गर्ल्स की लिखनगियां आप जी की आग्ञाकारी। नाम जमात बेटा जी थोड़ी पंजवीं लोटस लिली रोज जो भी आ, अपना रोल नंबर लिखना, मिति मिति की लिखनी है जिहड़ी तरीक नूं तुसी एप्लीकेशन लिख रहे हो, वह तुसी इत्थे अपनी मिति लिख देनी। धन्यवाद।